हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन योर ओन चैनल पाई हर्ट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डू द एमसीक्यूज ऑफ क्लास 10th चैप्टर वाइज। सो फर्स्ट टुडे वी आर गोइंग द एमसीक्यूज ऑफ रियल नंबर। सो लेट्स सी व्हाट वी लर्न टुडे। फर्स्ट इज, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू कैन एक्सप्रेस एज पी ए बी स्क्वेयर एंड क्यू इज ए क्यू बी, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, देन द एलसीएम पी क्यू इज। देखिए आप एलसीएम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे पी, आपको जो गिवन है दिस इज ए बी स्क्वेयर एंड क्यू इज ए क्यूब बी। तो आप इसको लिख सकते हैं P इज A इंटू B इंटू बी एंड Q इज A इंटू A इंटू A इंटू बी। यस, सो एलसीएम इज एलसीएम ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स। देखिए मैं आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन भी साथ में बता रही हूं। नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ द नंबर। तो इट मीन्स आपके पास जो एलसीएम आने वाला है वो क्या मिलेगा आपको। देखिए आपके पास ग्रेटेस्ट पावर बोला गया था, सो एलसीएम ऑफ ए बी स्क्वेयर ए क्यूब बी। ए की ग्रेटेस्ट पावर आपके पास है यहाँ क्यूब और बी की ग्रेटेस्ट पावर है आपके पास स्क्वेयर। तो आपका जो एलसीएम बनने वाला है वो है ए क्यूब बी स्क्वेयर, जो कि आपका आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट इज 7 × 11 × 13 × 15 + 15। तो देखिए इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। आप यहां पर लिख सकते हैं 15 अगर हम कॉमन लें 7 × 11 × 13 + 1, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। और ये है 15 इंटू में 1001 + 1, तो 15 × 1002, दैट इज आपके पास ये जो नंबर आने वाला है वो क्या होगा आपका 15 × 30। तो ये आपका जो है ये कैसा नंबर है, होल नंबर है आपका, क्लियर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं आंसर में होल नंबर है आपका ये एक तो, और दूसरा आपके पास ये कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, जो आपके पास जिसके दो से ज्यादा आपके पास फैक्टर होते हैं वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो इसलिए आप यहां पर क्या लिखेंगे, ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है, तो इसलिए जो डी ऑप्शन है इसमें दिया हुआ ए एंड बी बोथ, तो आप आंसर लगाएंगे डी पर। ध्यान रखिएगा बेटा सारे ऑप्शन सही से पढ़ने, उसके बाद ही आप आंसर पर टिक लगाएंगे। तो नेक्स्ट इज एलसीएम। देखिए एलसीएम मैंने आपको बता दिया था, यहां मैं आपको डायरेक्टली फिर फॉर्मूला यहां पर हम अप्लाई कर लेते हैं। आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट पावर आपको यूज करनी है, तो 2 की ग्रेटेस्ट यहां पर दिया हुआ है 4 इंटू 3 की ग्रेटेस्ट है 3, 5 आपके पास 1 टाइम है और 7 भी आपके पास 1 टाइम है। तो यहां से आपके पास जो आंसर आता है ये आपके पास आंसर होगा 1680, क्लियर। 2 की पावर 4 आप लिख सकते हैं 16 × 3 × 5 × 7, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास मिलता है 1680, तो आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट इज 1.2345132 6। आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद जो नंबर्स आपके आ रहे हैं ना तो वो आपके टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही आपके पास कहीं उनमें रिपीटेशन आ रहा है। इट मीन्स जब ऐसा कोई डेसिमल हमें मिलता है तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो जो है आपका इरेशनल नंबर है। तो मैं यहाँ पर आपकी एक्सप्लेनेशन भी लिख देती हूँ। द नंबर इज नाइदर टर्मिनेट
neither terminate nor repeating. So it means this number is irrational. So it is irrational number. देखिए एक्सप्लेनेशन इसलिए लिख रहे हैं हम यहाँ पे कि आप बाकी के क्वेश्चंस भी फिर इसी से आप सॉल्व कर पाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर जो है कब बोलते हैं हम. नेक्स्ट है आपके पास, इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2, देन व्हाट इज ए. आपके पास ये फॉर्मूला है एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी. दो नंबर का आपका एलसीएम यहाँ पर गिवन है 36 और एचसीएफ गिवन है आपको 2. इक्वल टू ए आपको नहीं पता है यहाँ पर और बी आपको दूसरा नंबर गिवन है 18. तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 2 अपॉन 18 इक्वल टू ए. तो यहाँ से आपके पास ये आ जाता है ए इक्वल टू 4. तो आंसर जो बन रहा है आपका वो बन रहा है डी. नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर आपके पास है तो प्राइम नंबर में आपके पास आप लिखते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं. फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर आर 1 एंड नंबर इट्सेल्फ. ये दो ही आपके पास फैक्टर बनते हैं, एक तो 1 से और दूसरा वो नंबर खुद से डिवाइड हो जाए, तो वो आपका प्राइम फैक्टर्स होते हैं नंबर में. तो यहाँ पर टोटल कितने फैक्टर्स मिलते हैं हमें प्राइम में, 2. तो यहाँ जो आपका आंसर होगा दैट इज सी. नेक्स्ट इज एचसीएफ एलसीएम. एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12, 21, 15 रेस्पेक्टिवली आर. आपके पास एलसीएम और एचसीएफ आपको बताना है, तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर कर लेंगे. देखिए 12 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, 21 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 7 एंड 15 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5. तो यहाँ से आपका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए 12, 21 और 15 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना आ रहा है. देखिए एक तो 3 मिलता है हमें यहाँ पर और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 तो हमारे पास एचसीएफ होगा. तो देखिए बी और डी जो है आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है. पहले नंबर पे एचसीएफ था जो कि 3 आ रहा है, तो बी और डी ऑप्शन कैंसिल. अब हम निकाल लेते हैं एलसीएम 12, 21 एंड 15. तो यहाँ पर आपके पास देखिए हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5. तो आपके पास ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, तो ये आपके पास यहाँ से आता है 420. तो इट मीन्स आपके पास जो आंसर बना है वो बना है यहाँ पर सी. पहले एचसीएफ और एलसीएम है 420. नेक्स्ट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 अपॉन 2 क्यूब प्लस 5. तो इसका आप देख लेंगे यहाँ पर आपके पास होगा ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आपके पास डेसिमल कितने पॉइंट्स के बाद आने वाला है. तो आप इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, नीचे आप 10 बना लीजिए. तो 10 बनाने के लिए 5 इंटू 2 10 होता है आपका, लेकिन यहाँ 2 की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 लाने के लिए हमने 5 की पावर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया. तो यह आ गया आपके पास 25 इंटू में 11 अपॉन में 10 क्यू. आपने जब मल्टीप्लाई किया तो यह है 275 अपॉन में 1000. तो यहाँ पर डेसिमल आपके पास है तो आप बता सकते हैं यहाँ पर जो टर्मिनेट होगा आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस. आपका कब ये स्टॉप होने वाला है कितने डेसिमल के बाद में, तो ये स्टॉप होगा आपका 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद में. तो यहाँ जो आंसर आएगा वो मिलेगा हमें सी, टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस. नेक्स्ट इज एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज. एलसीएम आपको निकालना है स्मॉलेस्ट 2 कंपोजिट नंबर. आपके पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कौन सा होता है 2 डिजिट में आपके पास, ये होता है आपके पास 10. ये आएगा 2 इंटू 5. और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, देखिए
एक तो टू डिजिट में आपको स्मॉलेस्ट बताना था और एक है आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो कि होता है 4। इन दोनों का आपको क्या बताना है एलसीएम। तो 10 और 4 का एलसीएम आपके पास क्या होगा, देखिए 2 की पावर 2 इंटू 5, क्योंकि 4 जो आपका 2 की पावर 2 है तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है इंटू 5, तो ये बनेगा आपका 20। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटर्न एज ए एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर एंड बी इज एक्स वाई क्यूब वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर देन एचसीएफ ऑफ ए बी। देखिए एचसीएफ जो है आप जानते हैं स्मॉलेस्ट पावर होती है आपके पास, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लिखते हैं, और स्मॉलेस्ट पावर जो कॉमन आपकी आ रही है तो यहाँ पर हम देख लेंगे एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर एक्स वाई क्यूब। तो देखिए एक्स की आपके पास स्मॉलेस्ट पावर है यहाँ पर 1 और वाई की स्मॉलेस्ट पावर है आपके पास 2, तो आंसर आपके पास आ गया एक्स वाई स्क्वेयर। तो यहाँ आंसर बन रहा है आपका बी। क्लियर। आपको यहाँ बोला गया इफ एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 1 द नंबर आर कॉल्ड रिलेटिवली ब्लैंक और ब्लैंक। तो देखिए आपके पास प्राइम और को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो। देखिए प्राइम नंबर आपके पास आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 3, 5, 11 जो 1 और इटसेल्फ से आपके डिवाइड होते हैं इस तरीके से, और को प्राइम नंबर आपके पास होते हैं आर दोज नंबर दैट हैव ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर। आप लिख सकते हैं को प्राइम नंबर आर द सेट ऑफ दोज नंबर दैट हैव ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर फॉर एग्जाम्पल 35 और यू कैन से 39। सो हेयर इज 35 इज 1 इंटू 5 इंटू 7, तो कॉमन फैक्टर इज 1। क्लियर। तो यहां से आप लिख सकते हैं ये जो ऑप्शन आया दैट इज ए, एच सी एफ इज ऑफ टू नंबर इज 1 द नंबर आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है आपके पास द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। सो हेयर इज 144 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आपके पास होता है, तो ये हमें मिलने वाला है 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2। तो आपको बताना है एक्सपोनेंट ऑफ 2 दैट इज 4। देखिए एक्सपोनेंट ऑफ 2 जो आ रहा है वो हमारे पास है 4, तो यहाँ जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है आपका बी। बी आंसर आपका बन रहा है। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। तो देखिए आप इसका करिए एलसीएम कितना आता है 3825, 3 से आपने जब किया तो ये बनता है 1275, फिर आपने इसको 3 से किया तो ये आएगा आपके पास 425, देन अगेन विथ 5 दैट इज 85, अगेन विथ 5 17 एंड हेयर इज दिस वन। सो आवर फैक्टराइजेशन इज 3 स्क्वेयर इंटू 5 स्क्वेयर इंटू 17, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फिगर आर। देखिए वाई आपको ब्रेक किया हुआ है 4 इंटू एक्स में, और आपके पास यहां पर एक्स जो है वो आपका मल्टीपल है किस किस का, 3 और 7 का, तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसको एक्स जो है हमारे पास है ये 7 इंटू 3 दैट इज 21 एंड वाई इज
फोर इंटू एक्स दैट इज 4 × 21 84. सो एक्स इज 21 एंड वाई इज 84. आंसर इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. देखिए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हमारे पास कब होता है, जब आपके पास जो डिवाइड में नंबर है वो 2 × 5 की फॉर्म में हो, 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में हो. तो देखिए अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ 165 है जो है 3511, ये नहीं है हमारा 2 × 5 की फॉर्म में. फिर सेकंड में आपने देखा 30 जो कि होता है 2 × 3 × 5, ये भी 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है. 625 ये होता है 5 की पावर 4, मीन्स 2 की पावर 0 × 5 की पावर 4, ये हमारा 2 और 5 में है. ठीक है, आइदर 2 की फॉर्म में हो और 5 की फॉर्म में हो और 2 × 5 की फॉर्म में हो तो आपका टर्मिनेट हो सकता है. लास्ट नंबर है 462 जो कि आपके पास जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 × 3 × 7 × 11. तो देखिए सिर्फ ये जो नंबर है ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा. तो ये हमारा आया था ऑप्शन नंबर सी. क्लियर. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड ऑन एन इरेशनल नंबर. देखिए अगर हम प्रोडक्ट करें रैशनल और इरेशनल नंबर की तो आपके पास यहाँ पर क्या आता है. तो रैशनल और इरेशनल कोई भी आप नंबर लेके देख सकते हैं. देखिए रैशनल नंबर हमने मान लिया यहाँ पर 1/2 और इरेशनल नंबर आपने ले लिया √2. दोनों के आप प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट करने पे आपके पास आता है 1/√2 जो कि कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है. तो आप बोल सकते हैं यहाँ से कि आपके पास हमेशा कैसा आता है अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो ये आपके पास हमेशा आएगा इरेशनल नंबर. ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, नॉन जीरो नंबर आपको उठाने हैं यहाँ से, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा, इरेशनल नंबर. क्लियर. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट. तो देखिए नीचे आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर 4 × 5. मैंने आपको बताया था नीचे आपको यहाँ पर बनाना होगा 10 की फॉर्म में. तो आपके पास 5 की पावर आपको 4 चाहिए तो आपने क्या किया, 5 की पावर 3 से आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 9 × 125 अपॉन में 10 इट्स पावर 4. मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलता है यहाँ पर, ये आपके पास आएगा 1125 upon 10 की पावर 4, मीन्स डेसिमल 1125. टर्मिनेट आपका कितने पॉइंट्स के बाद में हो रहा है, ये डेसिमल के 4. द नंबर टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस. नेक्स्ट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 14587 डिवाइड बाय 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर. देखिए ये कब टर्मिनेट होगा आपका, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर 1250 को आप यहाँ पर लीजिए एलसीएम जो कि आपके पास यहाँ आने वाला है. 5 से आपने किया इसको तो ये बनेगा 125, फिर से आपने 5 से किया तो ये बनेगा 25, फिर से 5 से किया तो ये आपके पास आता है. तो यहाँ पर आपके पास आता है 2 × 5 की पावर 4. क्लियर. तो अब देखिए आप इसको लिखेंगे 14587 अपॉन में 2 × 5 पावर 4. आपको नीचे 10 बनाना होता है तो आप किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई. तो देखिए ऊपर आपके पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 14587 इंटू में 8 अपॉन में 2 पावर 4 इंटू में 5 पावर 4, ये आता है 11696 अपॉन में 10 की पावर 4. तो ये आपको मिलता है यहाँ से 11.6696, मीन्स आपके पास जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेट होगा आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस पर. 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद में आपका ये टर्मिनेट हो रहा है. तो आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर डी. नेक्स्ट है
HCF आपके पास है 45, ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर। HCF है 45, एलसीएम आपके पास नहीं है, और दोनों का जो आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है वो है 30375। तो यहाँ से एलसीएम आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, 30375 अपॉन में 45, जो कि आपके पास डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आएगा 675। आंसर इज डी। नेक्स्ट इज, इफ बोथ 525 एंड 3000 आर डिविजिबल ओनली बाय 3515, 25 एंड 75, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 525 एंड 3000। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप। एचसीएफ आपको बताना है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम दोनों के फैक्टर लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है 3515, 25 एंड 75 आपको यहाँ पे कॉमन फैक्टर दिए हुए हैं, किस किस के, 525 एंड 3000 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके पास कॉमन फैक्टर आ रहा है इनमें से, आपके पास ये 75 जो है वो दोनों से डिवाइड आपका हो रहा है सबसे बड़ा, तो यहाँ पर आप लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है 75। तो आंसर डायरेक्टली आपका हो गया सी। आपको यहाँ पे निकाल के नहीं देखने, आप क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप उसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एचसीएफ आपका होगा 75। नेक्स्ट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 141 अपॉन 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखिए कर लेते हैं इसको। 141 अपॉन में 120, ये आपके पास होगा 3 इंटू में 47 अपॉन में 2 क्यूब इंटू में 3 इंटू में 5। तो देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल, आपको मैंने बताया था अपॉन में आपको 10 बनाना होता है, तो आपको 5 की स्क्वायर से डिवाइड भी करना होगा और मल्टीप्लाई भी। तो यहाँ पर आपके पास ये नंबर आ जाता है 1175 अपॉन में 10 क्यूब, तो ये आपका बनेगा 1.175। मींस आपके पास जो ये टर्मिनेट होगा वो होगा 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद में, तो आंसर आपका मिलने वाला है ए। नेक्स्ट इज 2 + √5 / 3 इज ए नंबर। देखिए आप 2/3 + √5/3 लिखेंगे। आपके पास देखिए ये रैशनल नंबर है और ये है इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो आपका हमेशा कैसा होता है, इरेशनल, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो नंबर है आप लिखेंगे इरेशनल नंबर है, क्लियर। यहाँ पर इरेशनल नंबर लिखेंगे आप। नेक्स्ट इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162, वन नंबर इज 54, व्हाट इज द अदर नंबर। फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज करेंगे, ए इंटू बी। एच सी एफ इज 27, एल सी एम इज 162, वन नंबर इज 54 एंड अदर नंबर इज बी। तो हेयर इज तो अदर नंबर इज 81, क्लियर। आपके पास दूसरा नंबर आता है 81। नेक्स्ट इज A एंड B आर गिवन देन HCF। देखिए HCF आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर देखिए आपके पास 2 की पावर 2 और यहाँ है 2 की पावर 3, तो आपके पास एक तो आया 2 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3 है और यहाँ 3 की पावर 2 है, कॉमन कौन सा आएगा, 3 की पावर 2। यहाँ 5 की पावर 4 है और यहाँ है 5, तो यहाँ से कॉमन आया 5। 4 × 9 × 5 ये आप लिख सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है यहाँ पर 180। ए डेसिमल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए आपको 0.8 बार आपको दिया हुआ है, यानी कि 8 आपका रिपीट कर रहा है यहाँ पर, तो ये नंबर आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे, मान लें हम x जो है वो है
डेसिमल 8888 जब जिस जो भी नंबर के ऊपर बार होता है इट मींस वो नंबर आपका रिपीट कर रहा है बार बार, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ आपको मिला 10x इक्वल टू 8 into 8888। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको आपने फर्स्ट माना, ये आपकी सेकंड, सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिला यहाँ से ये मिलता 8, तो x यहाँ से आने वाला है 8/9। तो x यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आप इसकी लिखें तो आप लिखेंगे 8/9। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 18144 एंड देयर एच सी एफ इज 6। तो एच सी एफ इंटू में एल सी एम इक्वल टू में ए इंटू बी, दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया है, एच सी एफ दिया हुआ है, एल सी एम आपको फाइंड करना है। तो एल सी एम आपके पास यहाँ से आने वाला है, आप डिवाइड कीजिए इसको, डिवाइड करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलती है 3024। ये आपका एलसीएम आता है 3024। नेक्स्ट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट। तो टर्मिनेट के लिए आपको बताया गया था कि नीचे आपको 10 बनाना होगा, 5 की पावर 1 है जबकि 2 की पावर 2 है, तो 5 से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास बन रहा है यहाँ पर, आप इसको लिखेंगे, ये बनेगा आपका 10 की पावर 2, मीन्स 1.15। तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2। एच सी एफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके पास होता है 2, अगर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी बोले आपसे तो वो भी आपका 2 होता है, ध्यान रखिएगा। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर आपसे बोले तो ये होता है आपका 4। तो दोनों का एच सी एफ आपको निकालना है, तो देखिए वो कितना होगा आपके पास 2, तो आंसर इज 2। नेक्स्ट इज एन बी आर पॉजिटिव इंटीजर देन, देखिए फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली आपसे बोला गया है ए इंटू बी, जब आप इस ए इंटू बी से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके पास क्या बनने वाला है यहाँ पर, ये आपके पास बनेगा 1, तो यहां आपके पास उत्तर आएगा 1। नेक्स्ट इज ब्लैंक इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो यहां पर आप लिखेंगे ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2, आप जानते हैं, एंड एचसीएफ ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। देखिए कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आप ले रहे हैं, मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 का एचसीएफ क्या बनेगा 2। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा 2। 2 इज द एच सी एफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। क्लियर। नेक्स्ट इज इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस एज दिस वन बीइंग प्राइम नंबर। देखिए आपको एलसीएम निकालना है यहाँ से पी क्यू का, तो आप देख सकते हैं एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर चाहिए होती है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर है ए की पावर 4 और बी में हाईएस्ट पावर है क्यू, तो आंसर इज ए की पावर 4 बी की पावर क्यू। देखिए बच्चों आप ध्यान रखिएगा, आपको अब कंटिन्यू ये आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, तो आप इसको रेगुलर करें, और अगर आप रेगुलर करेंगे तो देखिए इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, एग्जाम में आप अच्छे से नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और इसको देखते रहें। देखिए नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन, जिसमें आपको क्या बोला गया, ईच क्वेश्चन कंटेन एन असर्शन फॉलोड बाय रीजन, रीड देम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन, सिलेक्ट वन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द 2 स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है। तो पहला आपके पास है 2 इज ए रैशनल नंबर, असर्शन ये है और आपको रीजन दिया गया है द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। क्लियर। तो यहां पर असर्शन तो करेक्ट है आपका, 2 जो है वो आपका क्या है, असर्शन इज करेक्ट, क्यों, क्योंकि 2 जो है वो आपका रैशनल नंबर है,
लेकिन क्या इसका रीजन ये ठीक है? स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल, तो यहां पर रीजन जो है इसका ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको बोला गया है स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वेयर रूट लें, मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया है 4, इसका अगर मैं स्क्वेयर रूट लूं तो ये आता है 2, तो ये तो इरेशनल नंबर नहीं है, ये तो रैशनल आ गया आपके पास। क्लियर? तो आपके पास असर्शन तो करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। तो आप लिखेंगे यहां पर ये आपके पास होगा असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, आपका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 5+√5 एंड 3-√5 इज एन इरेशनल नंबर एंड रीजन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। तो देख लेते हैं हम यहां पर जो असर्शन है, देखिए क्या आपके पास ये इरेशनल नंबर आता है 5+√5 इंटू 3-√5 दैट इज 15-5 प्लस 3√5 माइनस 5√5 दैट इज 10-2√5। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो नंबर है ये इरेशनल नंबर आया, रूट फाइव आपके पास आ गया है। तो ये तो सही है कि असर्शन जो है वो इरेशनल नंबर आपके पास आता है, लेकिन यहाँ जो आपके पास रीजन दिया हुआ है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट हमेशा रैशनल नंबर आती है, लेकिन हमने देखा कि 2 इरेशनल नंबर आपको दिए थे, इनकी प्रोडक्ट क्या आई है आपके पास? इरेशनल आई है। और ये कहता आपसे कि हमेशा रैशनल होती है, तो रीजन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है सी। क्लियर? नेक्स्ट इज 2 नंबर हैव 18 एंड 380 एज देयर एचसीएफ एंड एलसीएम एंड रीजन इज एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। देखिए यहां पर आपके पास दिया हुआ है 18 एंड 380, 2 नंबर हैव 18 एंड 380 हैज देयर एचसीएफ एंड एलसीएम रेस्पेक्टिवली। देखिए 380 इज डिविजिबल बाय 18। क्लियर? एंड हेयर इज सेइंग दैट 2 नंबर हैव 18 एंड 380 एट्स देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ इज 18 एंड एलसीएम इज 380। क्लियर? यहां पर आप एलसीएम देखेंगे, 380 आपको बोला गया है, तो आप देखेंगे कि एलसीएम जो है ये 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है आपका। हेयर 380 इज नॉट डिविजिबल बाय 18। बाय 18 से आपका ये डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए आप यहां पर ये जो आपको बोला गया एचसीएफ और एलसीएम जो है आपका ये होगा ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एलसीएम जो होता है वो आपका डिविजिबल होता है एचसीएफ से, और यहाँ एचसीएफ से आपका ये डिविजिबल नहीं है। तो असर्शन तो आपकी रॉन्ग है बट रीजन जो है वो आपका करेक्ट दिया हुआ है कि एलसीएम हमेशा जो है डिविजिबल होता है एचसीएफ से, ये सही है। तो आप देखिए यहाँ ऑप्शन कौन सा, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, तो ऑप्शन इज डी, योर आंसर इज डी, 380 इज नॉट डिविजिबल बाय 18। नेक्स्ट इज √3 इज एन इरेशनल नंबर। यस, प्राइम नंबर कोई भी अगर आपके पास रूट के अंदर होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। तो असर्शन तो आपकी करेक्ट है। इसके बाद आपको बोला गया है यहां पर एम इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। अगर कोई भी आपके पास परफेक्ट स्क्वेयर नहीं आता तो आप क्या बोलते हैं कि वो इरेशनल नंबर है अगर रूट के अंदर आपके पास आता है। तो यहां पर आपका असर्शन भी करेक्ट है और रीजन जो है वो भी करेक्ट है, दोनों आपके करेक्ट दिए हुए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप यहां पे लिखेंगे ए जो ऑप्शन है आपका
वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज 123 अपॉन 650 इज ए टर्मिनेट डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। रीजन, द रैशनल नंबर पी बाय क्यू इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है, जब अगर वो आपका जो क्यू है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में आपका आप लिख पाए। तो देखिए हम देख लेते हैं क्या हम इसको लिख पा रहे हैं ऐसा। 650 को आप क्या लिख सकते हैं, ये बनता है 5 की पावर 2 इंटू 13 इंटू 2। तो देखिए ये आपका इसमें 13 भी आ रहा है, इसका मतलब आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग बनने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रहेगा। बिना आप डिवाइड किए बता सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है आपका, लेकिन आपका जो रीजन दिया गया है वो सही है कि टर्मिनेट आपका तभी होता है जब आपका क्यू जो है 2 की पावर m और 5 इंटू में 5 की पावर n में हो। इट मीन असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, सॉरी आंसर इज डी। ये आपके क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज और असर्शन, आपको ब्लैंक वाले क्वेश्चंस भी कराए गए, इसी के बेस पर आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके सारे क्वेश्चन जो बेस्ड थे वो थे रियल नंबर पर। नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम मिलेंगे पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज, ब्लैंक्स, असर्शन के साथ। टिल देन टेक केयर।